वेलकम टू इंडियन सॉल्फेज। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके बच्चों ने अब तक छोटे छोटे इंग्लिश सॉन्ग्स सीख लिए होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में सीखेंगे कुछ इंडियन रिलीजियस ट्यून्स, स्पेशली मंत्रास। एक्चुअली ये छोटे छोटे धुने हैं, है ना, जो आप छोटे बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं, ठीक है। और जो भी सॉन्ग्स करेंगे बस फाइव फिंगर शेप में उसे कवर करेंगे। ओके, फाइव फिंगर शेप ऑलरेडी आपको पता है। ओके, सी के लिए वन, डी के लिए टू, E के लिए 3, F के लिए 4 एंड G के लिए 5। बस यही कीज यूज़ करना है। ओके, और फिंगर इसी तरह हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा हरे रामा। फर्स्ट लाइन है, हरे कृष्णा, डी एफ F ओके, बहुत आसान है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है, हरे कृष्णा, ई डी ई ई। नेक्स्ट पार्ट, कृष्णा कृष्णा, पैटर्न बिल्कुल सेम है। ओके, डी सी डी डी। नेक्स्ट पार्ट है, हरे हरे, एफ ई डी सी। That's it, done. अब चारों पार्ट्स को मिला दीजिए। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। That's it. बहुत ईजी सॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, जो नेक्स्ट लाइन है, हरे रामा, बिल्कुल सेम। ओके, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। ओके, दैट्स इट। ओके, बहुत इजी सॉन्ग है, बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सॉन्ग, गायत्री मंत्र। आप गायत्री मंत्र भी सिखा सकते हैं, वो भी फाइव फिंगर्स शेप में कवर होगा। ओके, इसके साथ साथ हम एक और एक्स्ट्रा नोट यूज़ करेंगे, वो है लोअर बी, जस्ट सी से पहले। ओके, इसके लिए भी हम लोग फिंगर नंबर वन यूज़ करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं फर्स्ट लाइन, ओम भूर्भुवः स्वः, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ओके, फिर फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन को मिला के बजाने की कोशिश कीजिए। ओके, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओके, नेक्स्ट पार्ट है, बी। अब हमें क्या करना है, अब एक नोट यूज़ करना है, बी, लोअर बी यूज़ करेंगे। ओके, उसके लिए थंब यूज़ करेंगे, नंबर वन। ओके, भर्गो देवस्य धीमहि, डी 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 बी डी डी,
आप तीनों लाइन को बजाने की कोशिश कीजिए, देखिए किसी लाइन में प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, ओम भूर भुवः सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। डन। ओके, थ्री लाइन्स के बाद आते हैं फोर्थ लाइन। धियो यो नः प्रचोदयात्। सी सी डी ई डी डी सी सी। अब इस लाइन को अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। ओके, फिर चारों लाइन को बजाने की कोशिश कीजिए। ओके, कहीं कहीं पर आप नोट्स एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि जैसे मैंने अभी किया था, ओम भूर्भुवः स्वः, इसमें नोट्स ऐड करने की जरूरत नहीं है कहीं भी एक्स्ट्रा नोट्स। तत्सवितुर्, तो इस तरह से भी आप प्ले कर सकते हैं। ओके, आपको लगता है मैंने जो पहले किया था वो किया था तत्सवितुर, तो इजी रखा था, आप उसको तत्सवितुर्वरेण्यम् ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन शुरुआत में क्या, आप जितना नोट्स सिंपल रखेंगे बच्चों के लिए उतना अच्छा है। ओके, जितना कम नोट्स प्ले करें। ओके, सो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, दो सॉन्ग हो गया और अब क्या प्ले कर सकते हैं। एक वाहेगुरु, वो भी फाइव फिंगर शेप में है, बहुत इजी सॉन्ग है, जिसे गुरु मंत्र भी कहते हैं, जो सिमरन है। ओके, वाहेगुरु, सी डी ई, नेक्स्ट पार्ट है वाहे गुरु, ई डी डी सी, दोनों पार्ट्स को मिलाएगी वाहे गुरु, वाहे गुरु। इसे बार बार प्ले कीजिए, है ना, प्रैक्टिस कीजिए। वाहे वाहे गुरु, ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। वाहे गुरु, नोट से सी डी ई डी सी सी, अब चारों लाइन को मिला दीजिए। ओके, वाहे वाहे गुरु, वाहे गुरु। डन। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट है, वो जी से स्टार्ट होगा। ओके, वाहे गुरु G-F-F-E, okay? Why?
नेक्स्ट जो पहले बजाया था आपने, वाहे गुरु वाहे गुरु, जो पहले पार्ट आपने बजाया था वो बस मिला देना इसमें, ओके। वाहे गुरु वाहे गुरु बहुत ईजी सॉन्ग्स हैं, आप छोटे छोटे बच्चों को आसानी से, बहुत ही आसानी से ये सॉन्ग सिखा सकते हैं, ओके। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सो थैंक यू वेरी मच।